Good morning, dear students. In today's class, we will study the new words and page number 43 of lesson 7. The lesson is Once I Saw a Little Bird. The first topic of page number 43 is Reading is Fun. Before starting the topic, we will see the new words of this lesson. The new words of this lesson are फर्स्ट इज़ बर्ड, बर्ड का मतलब होता है चिड़िया. सेकेंड इज़ हॉप, हॉप का मतलब होता है उछलना. थर्ड इज़ स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रुकना. फोर्थ इज़ टेल, टेल का मतलब पूंछ. एंड द लास्ट इज़ विंडो, विंडो का मतलब होता है खिड़की. नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग इज फन टॉपिक ऑफ पेज नंबर 43. द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस टॉपिक इज़ व्हाट डिड द चाइल्ड सी. बच्चा क्या देखता है, देखता था, ठीक है. बच्चे को क्या दिखता है. द आंसर इज़ द चाइल्ड सॉ ए लिटिल बर्ड. बच्चा जो है पोयम में वो एक छोटी सी चिड़िया को देखता है, ठीक है. द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट वॉज द लिटिल बर्ड डूइंग. छोटी चिड़िया क्या कर रही होती है. द आंसर इज़ द लिटिल बर्ड केम हॉपिंग टू द विंडो एंड देन सॉक हिज टेल एंड फ्लू अवे. तो वो छोटी चिड़िया क्या करती है, वो उछलती हुई खिड़की के पास आती है और वो अपने पूंछ को झटकाती है और उड़ जाती है, ठीक है. द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस पेज नंबर इज लेट्स टॉक. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस. क्या आपने कभी किसी चिड़िया को अपने घर के आसपास या फिर अपने स्कूल के आसपास देखा है. द आंसर इज यस, आई हैव सीन मेनी बर्ड्स अराउंड माई स्कूल और माई हाउस. हाँ, मैंने बहुत सारी चिड़ियों को देखा है हमारे स्कूल के आसपास और हमारे घर के आसपास भी. तो बच्चों को चिड़ियों से, जानवरों से काफ़ी लगाव होता है, तो बच्चे इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं या फिर ये सब चीज़ें बच्चों को काफ़ी आकर्षित करती है. तो इसलिए मैंने इसका आंसर यस में दिया है, ठीक है. द सेकेंड क्वेश्चन इज़ हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम. क्या आपने कभी ऐसे ही कोशिश की है जो चिड़िया आपसे बात कर सके, या आपने कभी चिड़िया से बात करने की कोशिश की है. द आंसर इज़ यस, आई हैव ट्राइड टॉकिंग टू देम. हाँ, मैंने चिड़िया से बात करने की कोशिश की है, ठीक है. तो इस तरह से आपका पेज नंबर 43 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. लेट्स टॉक टॉपिक तक हो गया है और इसका जो ये लास्ट टॉपिक है लेट्स डू, तो इसमें क्या करना है, ज्वाइन द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड. यहाँ पे एक पीकॉक का फिगर बना हुआ है और आपको यहाँ पे ट्रेस करना है लेटर्स को ज्वाइन करते हुए ए से जेड तक, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए आप, ए कहाँ है, ए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो ए से आपको ट्रेस करना है. यहाँ पे इस तरह से पीकॉक के पंख को इस तरह से ट्रेस करते हुए जेड तक आपको यहाँ पे ले जाना है, ठीक है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड यू हैव टू एंड हियर. यहाँ पे आपको शुरू करना है, फिर जेड पे यहाँ पे आके ख़त्म कर देना है. इस तरह से आपको ट्रेस करना है, ठीक है. तो यहाँ पे आपका पेज नंबर 43 कंप्लीट हो जाता है और न्यू वर्ड्स भी मैंने बता दिया आप लोगों को. तो इस तरह से आप आज जो है हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर्स की स्टडी करेंगे, ठीक है. टिल देन आप अच्छे से इसको इसके क्वेश्चन आंसर्स को लिख लेंगे अपनी कॉपी में. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.